Till 1814, Rabdantse was the second capital of Sikkim. पावर में आए तो उन्होंने अपने राजधानी युक्सम से रेबडेंसे में शिफ्ट कर लिया। उस समय ये टोटल पैलेस कंपाउंड दोनों हिस्सों में बांटे हुए थे। इस पैलेस के रूइंस पे छुपे हैं कॉन्स्पिरेसीज, बिट्रेयल्स, खोना पाना, ब्लडशेड। ये रुइंस, रेबडेंसे रुइंस को देखने के लिए आप लोगों को टिकट खरीदना होगा, जिसका प्राइस है 25 रुपीस, ज़्यादा नहीं। मेन गेट से एंट्री लेने के बाद आप लोगों को लगभग 2 किलोमीटर्स इस घने जंगल के अंदर में से गुजरना होगा, पैदल जाना होगा, लौटना भी होगा। तो मेरा एडवाइस है कि 4 बजे के बाद मत आइए, क्योंकि आपको रुइंस के तरफ जाने के लिए टाइम लगेगा पैदल, उसके बाद लौटना भी होगा। अगर अंधेरा हो जाए तो, घने जंगल के अंदर अंधेरा हो जाए तो डर भी लग सकता है ना। रेबडेंसे रुइंस के तरफ जाते जाते मैं आप लोगों को इस पैलेस के, इस रेबडेंसे के हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। टिल 1814 रेबडेंसे वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ सिक्किम, एस्टेब्लिश्ड बाय चोगेल टू। 19th सेंचुरी के, 19वें शतक के शुरुआत में जब नेपालीज इन्वेशन हुआ सिक्किम में, तब ये पैलेस पूरा के पूरा तबाह हो गया। ये सारे पैलेस, ये सारे जगह को उन लोगों ने तबाह कर दिया। ये देखिए लगभग आ गए, बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ 100 मीटर्स दूरी है। थैंक गॉड, फाइनली पहुंच गए रुइंस तक। चलिए ऊपर चलते हैं। उस समय ये टोटल पैलेस कंपाउंड दोनों हिस्सों में बांटे हुए थे, एक तरफ वर्शिप एरिया और एक तरफ मेन पैलेस एरिया। वर्शिप एरिया में रॉयल फैमिली मेंबर्स एंड कॉमन पीपल एक साथ प्रेयर कर सकते थे, और इस तरफ है मेन पैलेस एरिया जहाँ पे रॉयल फैमिली रहते थे और वर्शिप भी करते थे। बीच में एक ऊँचे दीवार थे जो इस दोनों हिस्सों को अलग करते थे। ये हिस्से पे, इस कॉम्प्लेक्स में वो रॉयल फैमिली रहते थे। देखिए,
तरफ है पूजा कक्ष जहाँ पे कॉमन पीपल प्रेयर करते थे, रॉयल फैमिली भी प्रेयर करते थे, दोनों एक साथ प्रेयर करते थे, पूजा करते थे। लेकिन पैलेस एरिया जो दिखाया आपको, वहाँ पे सिर्फ रॉयल फैमिली रहते थे और सिर्फ रॉयल फैमिली पूजा करते थे। चलिए उस पूजा कक्ष में जाते हैं, हम उस तरफ जाते हैं हम लोग। ये है पूजा के एरिया जहाँ पे रॉयल फैमिली एंड कॉमन पीपल अलग अलग और एक साथ भी पूजा कर सकते थे, पूजा करते थे। इस पैलेस के रूइंस पे छुपे हैं दर्द भरी कहानियाँ, कॉन्स्पिरसीज, बिट्रेयल्स, खोना पाना, ब्लडशेड्स, कुछ सुख, कुछ सपने, कुछ दुख, बहुत कुछ दबे हुए हैं इस तबाही के अंदर, रूइंस के अंदर। सिक्किम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इस जगह को देखभाल कर रहे हैं। Such a historical and obviously nice tour spot. Rabdantse was the second capital of Sikkim. पहला राजधानी था युक्सम। छोगियल टू जब पावर में आए तब सिक्किम के राजा थे वो, पावर में आए तो उन्होंने अपने राजधानी युक्सम से रैबडेंसे में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में नेपालीज इन्वेशन हुई और नेपालियों ने ये पूरा इलाका तबाह कर दिया। और तब किंग थे तेंजिंग नामग्याल, उन्होंने वो अपने राज्य छोड़कर भाग गए। उसके बाद तेंजिंग नामग्याल के सुपुत्र अपने राज्य पुनरुद्धार किए और अपना राजधानी ट्रैबडेंसे से तुमलुंग पे शिफ्ट कर लिए। ये लेक देख रहे हैं आप लोग, ये रैबडेंसे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। रैबडेंसे रुइंस के थोड़ी दूरी में है पेमायंगसे मॉनेस्ट्री। कहते हैं कि उन दिनों उन मॉनेस्ट्री के स्टूडेंट्स तिब्बतन कैलेंडर अनुसार साल में एक दिन यहाँ पे नहाने के लिए आते थे और उस दिन उन स्टूडेंट्स को कुछ भी करने का छूट था। They were free to have any kind of fun. Any kind, I don't think so. They were free to have fun and let loose. अभी तो ये लेक गंदा हो गया पूरा, देखभाल नहीं होता है मालूम चलता है।